भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करने का दिन तय हो चुका है। INS विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को केरल के कोच्चि में भारतीय नौसेना में ऑफिशियली कमीशन कर लिया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के नौसेना में शामिल होते ही भारत दुनिया के चुनिंदा 6 देशों में शामिल हो जाएगा जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि INS विक्रांत पर कुल 30 एयरक्राफ्ट तैनात होंगे, जिनमें से 20 लड़ाकू विमान होंगे और 10 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर। शुरुआत में विक्रांत पर MiG-29K फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। उसके बाद भारत में स्वदेशी रूप से बन रहा फाइटर जेट TEDVF तैनात होगा। चूंकि TEDVF बनने में भी काफी समय लगने वाला है, इसलिए गैप को भरने के लिए फ्रांस के राफेल M या अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट में से किसी एक को तैनात किया जाएगा। INS विक्रांत के नौसेना में शामिल हो जाने से भारत को इंडियन ओशन में चीन पर काफी बढ़त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें।